नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 घटक 16 पानी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पानी का प्रदूषण अर्थात जल प्रदूषण। पानी में अन्य पदार्थ मिश्रित होने पर वह अशुद्ध हो जाता है। कुछ पदार्थ पानी में तैरते रहते हैं, उनके कारण भी पानी अस्वच्छ अथवा गंदला दिखता है। कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और दिखाई नहीं देते। जब पानी में मिश्रित पदार्थ सजीवों के लिए हानिकारक हो तो हम कहते हैं कि पानी दूषित है। नदियाँ, सरोवर, झील हमारे लिए पानी के स्रोत है। उनका पानी कैसे प्रदूषित होता है, अब हम देखेंगे। धोवन जल और उसका निपटारा निस्तारण। गांव तथा शहरों के धोवन जल को एकत्र करके उसे किसी सुविधाजनक स्थान पर जल के बड़े भंडार में छोड़ते हैं। निवासी इमारतों से और उद्योगों, कारखानों आदि से निकलने वाले गंदले जल में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। इनमें से कुछ घुलनशील तो कुछ अघुलनशील होती है। गंदे पानी में रोगों का प्रसार करने वाले सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। कारखानों के गंदले जल में विषैले पदार्थ होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार का पूरा दूषित जल जैसे का तैसा जल भंडारों में छोड़ दिया जाए तो जल स्रोत प्रदूषित होकर वे हानिकारक सिद्ध होते हैं। ऐसा पानी पीने के लिए अथवा अन्य किसी भी काम के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसलिए धोवन जल पर प्रक्रिया करके ही उसे बाहर निकालने की अनिवार्यता कारखाने के स्वामियों पर लागू की गई है। इस प्रकार गांवों के धोवन जल तथा गंदे पानी को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले उन पर शुद्धिकरण प्रक्रिया की जाती है। ऐसा करने से जल प्रदूषण दूर किया जा सकता है। नदियों के बहते हुए पानी का प्राकृतिक रूप से भी कुछ अंश में शुद्धिकरण होता रहता है। इसके अतिरिक्त गांव को पानी की आपूर्ति करने से पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है। यदि नदी के पानी में अधिक मात्रा में अशुद्धियां मिश्रित होती जाए तो उसके शुद्धिकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके कारण जलचरों का जीवन संकट में पड़ जाता है। अब हम एक प्रयोग करेंगे। प्लास्टिक की एक बोतल लो, उसका ढक्कन निकालकर उसके मुंह पर स्वच्छ कपड़े का एक टुकड़ा बांधो। अब उसका निचला भाग सावधानी से काटकर अलग करो। बोतल को औंधी पकड़कर आकृति में दिखाए अनुसार उसमें कोयले का चूर्ण, महीन बालू तथा मोटी बालू की तहे तैयार करो। बोतल को ऊपरी दी गई आकृति की तरह रखो। अब बोतल में कचरा युक्त गंदला पानी धीरे धीरे भरो। बोतल के कटे हुए भाग में गिरने वाले पानी का निरीक्षण करो। यह पानी स्वच्छ दिखाई देता है, फिर भी इसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। यह तुम सीख चुके हो। आगे का शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।